हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज की अपडेट बहुत खास है क्योंकि सीआईसीएसई ने छात्रों के लिए दो विकल्प रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर वह एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर वह एग्ज़ाम देना नहीं चाहते तो उनको प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स की परफॉर्मेंस पर भी प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है जिसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के एंड तक देखते रहिए स्टडी एंड जॉब रिलेटेड हर एक नए नोटिफिकेशन के लिए और जॉब्स की प्रेपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए उस न्यूज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि सीआईसीएसई ने विद्यार्थियों को विकल्प दिए हैं, वो चाहें तो एग्ज़ाम छोड़ सकते हैं। तो चलिए इस न्यूज़ को रीड कर लेते हैं कि सीआईसीएसई ने बोर्ड के 10वीं और 12वीं स्टूडेंट के लिए विकल्प दिया है, वह चाहें तो परीक्षाएं छोड़ सकते हैं। परीक्षाएं न देने वाला विकल्प चुनने वाले स्टूडेंट का रिजल्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस पर या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी किया जाएगा। तो सीआईसीएसई ने पत्र के जरिए स्कूलों और विद्यार्थियों को ये जानकारी दी है। तो इसके अकॉर्डिंग 22 जून तक अपने अपने स्कूलों को ये बताना पड़ेगा कि वह कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं। सो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों को दो विकल्प दिए जाएंगे जिसमें वह अपनी मर्जी से एक विकल्प को चुन सकते हैं, जिसके मुताबिक पहले विकल्प में द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल होना है और दूसरे में उनका रिजल्ट जो है प्री बोर्ड या इंटरनल असेसमेंट के नंबरों के आधार पर जारी किया जाएगा। सो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे क्राउड भी इकट्ठा नहीं होगा और जिनके पहले अच्छे मार्क्स हैं वो भी पास हो जाएंगे। आई थिंक सभी स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, एक अच्छा मेथड है जिसके क्राउड इकट्ठा नहीं होगा। तो आगे रीड करते हैं, ये विकल्प मात्र पेंडिंग एग्जाम्स के लिए उपलब्ध है। जिन विषयों के पेपर हो चुके हैं उनका रिजल्ट उसी पेपर के परफॉर्मेंस के हिसाब से जारी किया जाएगा। सो बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएँ हैं वो 1 जुलाई से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। जब कुछ अभिभावकों के द्वारा परीक्षाएँ कैंसिल करने की मांग की गई थी तब बोर्ड की तरफ से 10वीं के जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उसके नतीजे मंगवाए गए थे जिसके आधार पर रिजल्ट जारी किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ से 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी नतीजे भेजने को कहा गया है। तो ये थी एक बड़ी न्यूज़ जिसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स को दो विकल्प दिए गए हैं। तो ICSE वाले स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि उनको कौन सा मेथड जो है चूज़ करना चाहिए। तो अगर इसके रिलेटेड कोई किसी को डाउट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। सो ऐसी लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, थैंक यू।